और अगली खबर शिवपुरी से है। यहाँ बता दें कि एक युवती ने शिवपुरी एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके 15 दिन पहले ही सगाई हुई थी और जैसे ही लड़के के बारे में पता चला तो उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लड़के वालों ने उसकी घर आकर मारपीट की। इसकी शिकायत युवती ने थाने में भी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार रोशनी पिता रामकिशन उम्र 20 साल निवासी मछावली ने बताया कि उसकी 15 दिन पहले दीपक पिता रोशन उम्र 30 साल निवासी बांसगढ़ से सगाई हुई थी और शादी भी होने वाली थी, लेकिन बीच में जिसने सगाई कराई थी उसका नाम अनीता है और लड़का उसका भानेज लगता है। उसने झूठ बोलकर सगाई लड़के से करा दी और कहा कि लड़का अच्छा है और काम करता है, लेकिन बांसगढ़ के रहने वाले ही लड़की के रिश्तेदार से उन्हें पता चला कि लड़का शराब का आदी है और कोई काम धंधा नहीं करता है। उसके बाद रोशनी ने शादी से इनकार कर दिया और जैसे ही इसकी सूचना लड़के वालों को लगी तो उन्होंने रोशनी के घर पर आकर उसकी मारपीट कर दी। बताना होगा कि रोशनी की 5 बहन और कोई भी भाई नहीं है। पिता की उम्र 60 साल है जो अक्सर बीमार रहते हैं। रोशनी ने करेरा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई और आज एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। रोशनी मछावली, क्या समस्या लेके आई? बस ये अनीता सगाई के बारे में आई थी। क्या समस्या? अनीता ने हमको बहका दिया कि लड़का सही है, पर हमें पता चला कि लड़का सब ये झूठे, तो लड़का दारू पीता, इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, गुंडों को लेके आ गया, मुझे उठाने की कोशिश की, मेरे जीजा जी बचाने दौड़े तो उसका सर फोड़ दिया और जीजा जी के लड़का का सर फोड़ दिया। तो ये सगाई कहाँ पे की थी? बांसगढ़। नाम क्या लड़के का? दीपक। अनीता कौन है? मौसी लगती है नाती में तो हमारी। उसने ही बहका दिया हमें कि लड़का सही है, आप संबंध कर लो, और हमें पता चला कि सब ये झूठ है उसकी। आपको जानकारी कैसे लगी कि लड़का गलत है? मेरे जीजा जी ने बताया था। हमें करेरा मारपीट की थी आपकी घर पे आ गई? हाँ, मारपीट की थी डंडों से, सरियों से, जीजा जी का सर फोड़ दिया। कौन कौन आया था? उसके संगा साथ ही आए थे। और क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे बाप मताई को मार डालूंगा। कौन कौन है आपके घर में? बस 5 बहनें हैं और मम्मी पापा हैं और कोई नहीं है हमारे साथ में।